आज जिस तरीके से नॉमिनेशन प्रोसेस को चलते हुए तीसरा दिन है, बावड़ विधानसभा से विनायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई श्याम सुंदर को जिस जिम्मेवारी के साथ पार्टी ने उतारा है, उनका आज नामांकन भरा गया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि बावड़ की जनता का जो प्यार चौधरी देवीलाल जी के साथ रहा है, एक एक बावड़ का साथी श्याम सुंदर को चौधरी देवीलाल के रूप में देखते हुए दुष्यंत समझ कर अपना एक एक वोट डालने का काम करेगा, मजबूती से चाबी का बटन दबा कर। एक भाजपा में जो टिकट के वितरण को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो इतना कहूँगा, जो लोग कहते थे 75 पार जी, अब तक नहीं ढूंढ पाए एक उम्मीदवार, चुनाव में तो 3 दिन बाकी बचे हैं, आप बता दें जी कि क्या हालात है कि एक उम्मीदवार उतारने में भी उनको इतनी घबराहट। और जिस तरह का घमासान पहली लिस्ट के बाद मचेगा जी 75 पार तो 4 पार करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है।